गाइस दिस इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और वो प्रॉब्लम ये है कि मेरी सारी की सारी A4 साइज शीट्स इधर उधर हो गई हैं एंड मैंने सबसे पहले तो उनको सेपरेट कर लिया है कि मेरी A4 साइज की वाइट एंड कलरफुल शीट्स हमने अलग कर ली हैं एंड जो हमारी ऐसे डिज़ाइनर वाली शीट्स हैं उनको हमने अलग कर लिया है। सो अब ना मेरे को अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक भी फोल्डर अवेलेबल नहीं था और मेरा जो पहले वाला फोल्डर था वो टूट चुका है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने ना क्या किया, फिर अपनी मैंने ना पूरी की पूरी ड्रॉअर जो है अपनी एकदम तो अच्छे से चेक कर ली कि यार कोई ना कोई तो फोल्डर मेरे पास हो गई। सो मेरे को ना यहाँ पर 4 फोल्डर मिल गए लकीली मेरी ड्रॉअर में। सो सबसे पहले हमारे पास आते हैं ऐसे दो फोल्डर आते हैं हमारे पास। देन हमारे पास आते हैं ट्रांसपेरेंट बैक चिट चैट फोल्डर एंड जो लास्ट वाला फोल्डर है वो आपको बाद में दिखाऊंगी मैं। सबसे पहले हम अपनी असेंबल कर लेते हैं शीट्स। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ये वाला फोल्डर, तो इसमें हम रखने वाले हैं अपनी सारी कलरफुल शीट्स, कलरफुल एंड वाइट कलर की A4 साइज शीट्स। सो मैंने जल्दी जल्दी से अपनी कलरफुल शीट्स ले ली एंड A4 साइज शीट ले ली है, उसको उसके अंदर लगाना स्टार्ट कर दिया। एंड मेरे पास ना कुछ शीट्स थी जो मैंने जो मेरे पास ना पहले से ही रखी हुई थी, जो इनको मैंने ना काट रखा था। सो जो मेरे पास यूज़ करी कराई शीट होती है ना उनको जो बच जाते हैं वो मैं रख लेती हूँ अपने। सो अब मैंने अपना फोल्डर तो फर्स्ट असेंबल कर दिया है, आपको दिखा देते हैं हम। सो फर्स्ट फोल्डर ये देखिए कितना ज़्यादा कलरफुल है एंड काफ़ी सारी A4 साइज़ की शीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। देन हमारे पास आता है सेकेंड फोल्डर, वो भी सेम टू सेम यही वाला फोल्डर है। सो इसमें हम रखने वाली अपनी सारी की सारी डिज़ाइनर शीट्स। सो इन वाली डिज़ाइनर शीट पे पता है मैंने बहुत सारे अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की हैं, क्योंकि मेरे को ना ये वाले सच में ये वाली शीट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड देन मेरे पास यहाँ पर ग्लेस पेपर भी अवेलेबल है, तो ग्लेस पेपर को भी हम इसी फोल्डर में लगा लेते हैं। सो ग्लेस पेपर मैं फिर चेक कर लेती हूँ कि मेरा ग्लेस पेपर लगा या नहीं, बिकॉज ये निकल जाएगा फिर, मुझे तो ऐसे लगता है। सो यहाँ पर हमारा ग्लेस पेपर आ गया एंड देन काफ़ी सारी कलरफुल हमारी A4 साइज की शीट आ गई एक्टिविटी वाली। अब देन हमारे पास अभी भी शीट्स अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ये वाला चिट चैट वाला फोल्डर लेते हैं जिसमें हम अपनी ये वाली फाइल्स रखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने रखी एक्टिविटी वाली फाइल, यानी कि जिसमें एक्टिविटी पेजेस हैं, एंड देन मैंने रखी यहाँ पर A4 साइज की कलरफुल शीट्स वाली फाइल। सो इन दोनों को रखने के बाद ना मैंने क्या किया था, मेरे जो जितने भी टेस्ट पेपर थे ना मैंने सारे के सारे एक प्लास्टिक की पॉली बैग में रख दिए थे एंड उनको मैं अभी इस फोल्डर में रख रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरा फोल्डर पूरा एकदम नाइस रहे। सो मैंने इसलिए अपने फोल्डर में ये सारी चीज़ें रख दी हैं। सो ये था हमारे फोल्डर का टॉर, ये देखिए ये है हमारा फोल्डर। सो अब हमारे पास जो लास्ट फाइल बची है वो तो भाई बहुत ज़्यादा क्रेजी है। सो यहाँ पर मेरे पास था, ये तो मैंने अभी परचेज किया था 2-3 डेज पहले, ये है हमारे पास एक रिंग फाइल, कोई स्लेटी से कलर में आपको मिल जाएगी ये रिंग फाइल देखने को। ये देखिए इसकी रिंग को ओपन करने में भी आवाज़ बहुत तेज आती है और बंद करने में भी बहुत तेज आती है। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें पंचिंग मशीन का भी यूज़ है। सो पंचिंग मशीन से सबसे पहले आपको अपनी जो शीट्स हैं उनको पंच करना होगा, देन आप इसमें इसको रख सकते हैं। सो मेरे कुछ ऐसा ही किया है। सो सबसे पहले मैं अपने ना और बहुत सारी शीट्स हैं मेरे पास, ये देखिए मैंने कुछ ना कवर पेज भी बनाए थे कि अपना नाम लिखकर क्लास रोल नंबर लिख के, कि एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो और हमारे बहुत सारी शीट्स हैं ना हमें अलग अलग जो अलग अलग शीट्स हमारी यूज़ होती हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने ना एक साइंस की एक्टिविटी मैंने एक फेस मास्क बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा छोटा है तो ये अभी नहीं आ सकता। सो इसके बाद हम मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ, देन हम रखेंगे मेरी काइट जो हमने स्कूल पर बनाई थी, ये देखिए इसमें भी मैंने पंच करा था, इसको रख देते हैं। अब हमारे पास ना जो मेरे पेपर स्टार्ट्स हो चुके हैं, सो मेरे पास थी वर्कशीट्स, तो मैंने सोचा चलो वर्कशीट भी इसी में रखी जाए। सो अब मैं अपनी वर्कशीट ढूंढ रही थी कि मेरे को मेरी वर्कशीट कहाँ मिलेगी। सो मेरे पास 3 वर्कशीट्स हैं, तो मेरे पास SST की वर्कशीट यहाँ पर है, सो मेरे को SST की वर्कशीट अपने एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो में लगानी है। सो एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो में वर्कशीट लगाने के बाद मैं फिर ढूंढने लग गई कि मेरे एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो का कवर कहाँ है। तो कवर लगाने के बाद मैं आपको अभी अपना एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो का एकदम अच्छे से पोर्टफोलियो का टूर करवा देती हूँ। सो गाइज फाइनली हमारा पूरा का पूरा फोल्डर रेडी हो चुका है।
सो देखिए कितनी सारी की सारी शीट्स मैंने यहाँ पे लगाई हैं, ये देखो बहुत सारी शीट्स मैंने लगाई हैं। सो प्लीज़ 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 आज का हमारा काम खत्म हो चुका है। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।